विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रियों को चाक चौबंद व्यवस्थाओं उपलब्ध हो इसके लिए शासन प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की निगरानी में निरंतर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित पूरी हो सके। बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम में 2013 में आई भीषण आपदा ने तबाही मचाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम को फिर से संवारने और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि स्वीकृत कराते हुए युद्ध स्तर पर कार्यों को पूरा करवाने के निर्देश दिए थे। तब से लेकर अभी तक केदारनाथ को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। केदारनाथ में अब मंदिर समिति का 18 करोड़ का सुंदर भवन बनकर तैयार हो गया है। साथ ही हेलीपैड के समीप भी यात्रियों को बारिश बर्फबारी से बचने के लिए रेन शेल्टर का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। आने वाले समय में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं केदारनाथ में कड़ाके की ठंड से राहत पहुंचाने के लिए अलाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि जो केदारनाथ धाम में जितने भी मंदिर समिति की परिसंपत्तियां थी, गेस्ट हाउस थे, कार्यालय, विश्राम गृह, सभी आपदा में बह गए थे। उसके पश्चात से हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत तेजी के साथ में प्रयास किया और वहां पर जो हमारा एक भवन है, 18 कक्षों का एक भवन है, वो भवन बनकर के तैयार हो गया है। उसमें हमारे कार्मिकों के अलावा जो कार्यालय इत्यादि की व्यवस्था है वो वहाँ पर सुनिश्चित हो सकेगी। और मैं अभी जब केदारनाथ का दौरा करके आया हूँ तो उस दौरान में मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर में वो हमको उसको हस्तांतरित करने, जो भी उसमें कार्य अवशेष रह गए थे उनको तत्काल पूर्ण करने को कहा है। इसी प्रकार से हमने केदारनाथ धाम में रहते हैं, वहाँ पर मौसम प्रतिकूल रहता है, वर्षा बर्फबारी की होती रहती है, उस कारण से कई बार श्रद्धालुओं को बैठने के, सर छिपाने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। तो इस वर्ष यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व हमने वहाँ पर केदारनाथ धाम में हेलीपैड के समक्ष एक रेन शेल्टर का निर्माण कराया है और लोक निर्माण विभाग उसका निर्माण कार्य कर रहा है, कार्यदायी एजेंसी है, उसका निर्माण कार्य भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो एक हफ्ते सप्ताह के भीतर उस रेन शेल्टर को भी हमको हस्तांतरित कर देंगे। वहाँ पर हम यात्री सुविधाओं के लिए एक तो मंदिर समिति का जो सूचना केंद्र है स्थापित करेंगे, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई सूचना चाहिए तो वहाँ पर उनको उपलब्ध हो सकेगी। उसके अलावा वहाँ पर अलाव इत्यादि की ठंड से बचने के लिए, क्योंकि कई बार दिक्कतें होती है, तो इसलिए अलाव इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी।